नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में YouTube के ऐसे 8 सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप सेटिंग जैसे ही करेंगे आपके YouTube चैनल की आंखें खुल जाएंगी। जैसे ही मनुष्य के अंदर ज्ञान आना स्टार्ट होता है, मनुष्य की आंखें खुल जाती है। कुछ उसी तरह से आप जैसे ही यूट्यूब चैनल पे ये 8 सेटिंग करेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल की आंखें खुल जाएंगे और आपके चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुल मिलाकर के बात करें तो आपके चैनल बूस्ट होने वाले हैं, आपके चैनल ग्रो करने वाले हैं। तो चलिए हम बताने वाले हैं YouTube के 8 सेटिंग्स जो हमने YouTube चैनल पे करके रखे हैं और हमारा चैनल भी ग्रोथ हुआ है और हमारे चैनल भी बूस्ट हुआ है। तो वही सेटिंग्स आपको हम बताने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले YouTube चैनल पे आ जाना है और YouTube चैनल पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप YT स्टूडियो में आ करके यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्रांडिंग का ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले ब्रांडिंग पे क्लिक कर देना है और ब्रांडिंग पे क्लिक करते ही देख सकते हैं आपके ब्रांड के लोगो लगा लेना। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे हमारा देख सकते हैं लोगो लगा हुआ है, तो आप भी आसानी से लोगो लगा लेंगे। और अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं फाइल हमारे सामने खुल जाता है और आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे आसानी से लोगों को। तो आप यहाँ पे आगे आएंगे तो देख सकते हैं, ठीक है, बैनर इमेज यहाँ पे आपको सेट करना है। बैनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्योंकि जब तक आप अपने YouTube चैनल पे बैनर नहीं लगाएंगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आप सबसे पहले से बैनर को सेट करेंगे, एक झक्कास वाला HD वाला बैनर लगाएंगे। तो अगर आप इसे फिर से बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके इसे आप बदल सकते हैं। देख सकते हैं इसका साइज क्या दिया हुआ है, इस साइज को आपको बैनर बना लेना है। और अगर आप बैनर बनाने के लिए नहीं जानते तो आप हमें कमेंट करेंगे, आने वाली वीडियो हम बैनर के ऊपर बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो वाटरमार्क के तहत कि YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ेंगे, जैसे कि वीडियो जब प्ले होते हैं तो इतना बड़ा वीडियो हमारा होता है और इस वीडियो में से हमारा एक यहाँ पे वाटरमार्क दिखाता है जो कि यहाँ पे जैसे ही लोग आते हैं सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल जो भी है वो सब्सक्राइब हो जाएगा जिसका हम वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आसानी से लोग सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और ये हमारे यहाँ पे बेनिफिट भी मिलता है वीडियो वाटरमार्क लगाने का। तो यहाँ पे लगाने का 3 टाइप है, देख सकते हैं, एंड ऑफ वीडियो, कस्टम स्टार्ट टाइम, इसके बाद इंटर वीडियो यानी कि वीडियो के इंटर में लगा सकते हैं, फिर कस्टम अपने टाइम के माध्यम से सेट कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ वीडियो मतलब पूरे वीडियो में लास्ट तक रहेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पे क्लिक करके आप इसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम पहले से सेट कर रखे हैं इसलिए हमारे यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप नया नया सेट करेंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पे दूसरे सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेसिक इन्फो है। बेसिक इन्फो में एक महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे देखने योग्य बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपका नाम चैनल का नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल, ये हैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके चैनल के लिए, आपका चैनल सर्च रिजल्ट में लाने के लिए आपका चैनल के लिए हैंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप उसी को उसी नाम से हैंडल रखेंगे जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। आप देखेंगे पूरा जितने भी वर्ड है लेटर है सेम टू सेम लेटर मिलता है या नहीं मिलता है। अगर सेम लेटर का वर्ड नहीं मिलता है आपको हैंडल तो आपको चैनल का नाम ही बदल देना है और चैनल का नाम बदल करके दूसरा नाम रखना है और उसी नाम से हैंडल लेना है जिस नाम से आपका चैनल है। तो ये महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं हमने भी यहाँ पे पहले हमारा यूट्यूब चैनल का नाम था मनोज पंडित, उसके नाम से हमारा हैंडल अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे YT दी मनोज चैनल का नाम बदल करके हमने यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल भी ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं @YTDMNOJ आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है हैंडल का और हैंडल से आसानी से लोग आपके चैनल पे आ जाते हैं जैसे ही सर्च करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये हैंडल ले लेंगे सबसे पहले। अगर आपके नाम से हैंडल नहीं मिल रहा है तो आप चैनल का नाम बदलिए और दूसरा नाम से आप हैंडल लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लेआउट पे हम आ चुके हैं और लेआउट में हमारे सामने एक वीडियो दिखाई दे रहा है। अगर आपके YouTube चैनल पे लोग पहली बार सर्च करके आते हैं तो देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं और चैनल पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही चैनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पे ट्रेलर के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसे सेट कर सकते हैं, अगर पहली बार लोग आ रहे हैं आपके YouTube चैनल पे कि चैनल को देखने के लिए
तो यहाँ पे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, आपके चैनल पे आ जाएंगे ये वीडियो। ये सेट करने से यही होता है, यहाँ पे ये सेट कर दीजिए। आपके चैनल का जो भी सब्सक्राइबर्स नॉट सब्सक्राइबर्स है, जो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, पहली बार आएंगे, वो ये आपका वीडियो दिखाई देंगे। अगर वो सब्सक्राइब कर लिए हैं और रिटर्न आपके यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उसके सामने ये वीडियो दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और सेटिंग है जो कि आपके YouTube चैनल को बेहतर बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माई चैनल से है, इसके सामने दिखाई दे रहा है, तो माई चैनल से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे सेट किया है उस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट कॉन्टेंट से यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे और अगर सेक्शन बनाना है इसमें से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पॉपुलर वीडियो का सेक्शन बना हुआ है, अपलोड वीडियो का यहाँ पे हमारा सेक्शन बना हुआ है, और पोस्ट स्ट्रीम्स जो कि हमने लाइव स्ट्रीम किए हैं उसका यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने शॉर्ट का रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे और सेक्शन जोड़ सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। देख सकते हैं यहाँ इसमें से बहुत सारे सेक्शन और आपको मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इसे ऐड कर लेंगे और आसानी से यहाँ पे एक एक करके सभी को जोड़ लेंगे। आप जिस सेक्शन को बनाना चाहते हैं, जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, अगर इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, ड्रैग कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये चीज़ आपको ऊपर रखना है तो ड्रैग कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसे चैनल का जो भी है, इसे चैनल का अगर ऊपर रखना चाहते हैं, इसे ड्रैग कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम अपने चैनल को रखे हैं जो हमारा फ्यूचर चैनल से हैं, और यहाँ पे देख लिए पॉपुलर वीडियो, इसके बाद रखें, इसके बाद वीडियोज रखें जो अपलोड करके रखें अपने चैनल पर, वो वीडियो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद पोस्ट लाइव स्ट्रीम हमने रखे हैं, इसके बाद शॉर्ट रखें। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करके आप ऐड कर लेंगे और आसानी से यहाँ पर आपके सामने ये ऐड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अगर आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं तो उसमें भी सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, तो आपको चैनल पे आ जाना है, ये कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने दें। और इसके बाद चैनल पे, जो कि यहाँ पे हमारा महत्वपूर्ण सेटिंग है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं, रेसिडेंट आप इंडिया के हैं, तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अगर या किसी अन्य देश में आप रहते हैं तो आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जापानीज हैं, आप जापान से रहते हैं, तो जापान को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फॉरेनर हैं, कहीं बाहर से रहने वाले हैं, तो आप वहाँ पे देख लेंगे, अपने अनुसार से इसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड को टाइप करेंगे ताकि आपके चैनल सर्च रिजल्ट में आ सके और आसानी से लोग आपके चैनल को देख सके और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सके, आपके चैनल का वीडियो देख सके। तो आप यहाँ पे अपने नाम से रिलेटेड, जो चैनल का नाम है उससे रिलेटेड जितने भी नाम होंगे आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे और यहाँ पे कीवर्ड सेट कर देंगे और इसके बाद सेव कर देंगे। आपको सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने चैनल का ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको चैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फ्यूचर एजेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड फीचर्स ये एनेबल होता है, जैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको वीडियो अपलोड यानी कि ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं आपको वीडियो अपलोड करने की सुविधा मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फीचर्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट फीचर्स में आपको एनेबल करना होता है अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना पड़ता है। इसके बाद जो आपको फीचर्स मिलते हैं, वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स यानी 15 मिनट से अधिक वीडियो आप अपलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ कस्टम थंबनेल कर पाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। ये तीन फीचर्स आपको इंटरमीडिएट फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपने चैनल को वेरीफाई करते हैं। अब अगले फीचर्स की हम बात करते हैं, एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके चैनल जो भी एनेबल होगा वो चैनल हिस्ट्री के माध्यम से एनेबल हो सकता है, या फिर वैलिड आईडी के माध्यम से, या फिर वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से आप इसे एनेबल कर सकते हैं। तो एनेबल होते ही आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा इसमें, अपील कॉन्टेंट्स आईडी क्लेम्स आपको मिल जाएंगे यानी अपील करने का आपको परमिशन मिल जाएंगे। क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीमिंग्स डेली, आप डेली के बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। या अपलोड मोर वीडियो डेली, आप डेली के कई वीडियो अपलोड कर पाएंगे। क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, साथ ही साथ एनेबल लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्सटर्नल लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे नीचे देख सकते हैं
एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, यानी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जब तक ये एनेबल नहीं होगा तब तक आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये अगला सेटिंग देख सकते हैं, आपको जीमेल अकाउंट में आपको सेटिंग करना है। तो जीमेल में आपको आ जाना है सबसे पहले, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सेटिंग को। जब तक आप इस सेटिंग को नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपको सिक्योरिटी पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि इसे आपको ऑन कर लेना है। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।